6.4 एक्सरसाइज फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग बाय ट्री मेथड। ठीक है, तो हमको फाइंड करना है प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स का मतलब होता है जो प्राइम नंबर से ही डिवाइड हो। प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारे प्राइम नंबर है। तो ये सारे प्राइम नंबर क्यों हैं? इसका यह है रीज़न, क्योंकि प्राइम नंबर जो होता है वो अपने आप से डिवाइड होता है और वन से डिवाइड होता है। जो नंबर सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो और वन से डिवाइड हो और किसी से डिवाइड ना हो वो प्राइम नंबर है। ठीक है, ऐसे टू को हम और किसी से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, सिर्फ टू से कर पाएंगे या वन से कर पाएंगे। थ्री को भी किसी और से नहीं कर पाएंगे, फाइव को भी किसी से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन फोर जो नंबर है इसको हम टू से डिवाइड कर पाएंगे, फोर से भी कर पाएंगे, वन से भी कर पाएंगे। तो जो नंबर सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो और किसी नंबर से डिवाइड ना हो, सिर्फ वन और अपने आप से हो, उसी को बोलेंगे प्राइम फैक्टर्स या प्राइम नंबर्स। ठीक है, और दूसरा बात यह है कि इनका इसका मतलब इसका फैक्टर दो ही होगा, एक खुद होगा और एक वन होगा। दो से ज़्यादा फैक्टर इसका निकलता नहीं है प्राइम नंबर्स का। लेकिन जो कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर के अलावा बाकी जो नंबर है वो कंपोजिट नंबर है, 4, 6, 8, 9, 10, 12, ये सारे कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इनके बहुत सारे फैक्टर हैं, दो से ज़्यादा फैक्टर है। और वन इज नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वन जो नंबर है वो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। तो इस तरह से हम लोग इसको समझेंगे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सारे प्राइम नंबर हैं, इसमें आगे भी चलता जाएगा। और 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 जो भी नंबर किसी और से डिवाइड हो जाए वो कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ये सारे कंपोजिट नंबर में आ जाते हैं, ये सारे प्राइम नंबर आ जाते हैं। और वन प्राइम नंबर भी नहीं है, कंपोजिट नंबर भी नहीं है। और 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से सभी जितने भी नंबर लिखते जाएंगे ये सारे नेचुरल नंबर कहते हैं इनको। ठीक है, काउंटिंग नंबर से नेचुरल नंबर। तो ठीक है, ये तो इसका बेसिक था। अब क्वेश्चन नंबर वन करेंगे, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। फिफ्टीन का हमको ट्री मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले प्राइम नंबर 2 होता है, और 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस का डिजिट इवन नहीं है। तो ये 3 से डिवाइड होगा, 3, 5 जो 15 होता है। तो यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 5। अब 5 को भी और फैक्टर नहीं कर पाएंगे, 3 को भी और फैक्टर नहीं कर पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 = 3 × 5 हो गया आंसर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखो, 64 दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन 64, तो 64 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 32 2 = 64 होता है। ठीक है, अगर ऐसे नहीं आता तो ऐसे डिवाइड करके देख लेना साइड में, 2 3 = 6 या कुछ नहीं बचा, 4 2 2 = 4, तो इसमें बच गया 0, मतलब 32 आया आंसर। तो यहाँ 32 लिखेंगे। अब ये तो प्राइम नंबर हो चुका है, इसको और कुछ नहीं करना। अब 32 को फिर से 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, 16 2 = 32 होता है। फिर 16 को फिर से डिवाइड कर सकते हैं 2 से, 2 8 = 16। फिर 8 को फिर से डिवाइड कर सकते हैं, 4 2 = 8, और 4 को फिर से डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 = 4। तो जब तक ये डिवाइड होगा तब तक हमको डिवाइड करते जाना है। तो अब इसको हम लोग लिखेंगे जो भी यहाँ पर आंसर आया है, 2 2 2 2 2 और ये वाला 2। ठीक है, 64 का आंसर हो जाएगा 2 2 2 2 2 and 2, 6 times 2 आएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नेक्स्ट है 75, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो 75 को अगर हम लोग 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से करेंगे तो 3 25 = 75 होता है, और 25 को हम 5 5 = 25 लिख सकते हैं। तो 75 का आंसर निकल गया 3 × 5 × 5। ठीक है, फिर है 94,
94, इसको 2 से अगर डिवाइड करेंगे 4 टू जाए 8, 1 बच गया, 1 और 4 14, 7 टू जाए 14, और 47 खुद एक प्राइम नंबर है, ये किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो 94 का आंसर हो जाएगा 2 इंटू 47। ओके, तो ये इस तरह से सॉल्व होगा। बाकी यहाँ पे चार क्वेश्चन होमवर्क रहा, 85, 76, 625 और 1025, ये चार क्वेश्चन को आप लोग खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का है 85, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। 6 का है 76, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, 625। एंड क्वेश्चन नंबर 8 का है 1025, ठीक है। अगर ये, चलो एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ, लास्ट वाला बता देता हूँ, ठीक है। बड़ा डिजिट है तो आप लोगों को लगेगा कि नहीं बना पाएंगे। तो 1025, जब भी यूनिट डिजिट में 5 रहे तो ये 5 से डिवाइड होगा। तो 5 से इसको डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है। 1025 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 टू या 10, यहाँ 2 उतरा, अब यहाँ से यह कम है तो 0 जाएगा। दो डिजिट को एक साथ नहीं उतारना है, एक एक करके उतारना है, फिर 5 5 या 25, तो ये आ गया 205। तो यहाँ पे लिखेंगे 205। अब फिर से यूनिट डिजिट यहाँ पे 5 है, इसका मतलब फिर से ये 5 से डिवाइड होगा। तो 5 से जब 205 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, डिवाइड करके देख लो। 5 4 या 20, 5 बचा, 5 1 या 5, तो आया 41। और 41 किसी से डिवाइड नहीं होता, 41 एक प्राइम नंबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1025 इक्वल टू 5 × 5 × 41, ठीक है। तो बाकी तीन क्वेश्चन होमवर्क रहा, 625, 76 एंड 85।